प्रदेश की योगी सरकार आए दिन ही अपने फैसलों से चौंका देती है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोमवार देर शाम उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां एक साथ दर्जन भर से भी अधिक बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी नरेंद्र भूषण हटाए गए हैं। नरेंद्र भूषण को प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास बनाया गया। अजय चौहान प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी बने रहेंगे। नोएडा, जौनपुर और शामली के डीएम भी हटाए गए हैं। इसके साथ ही सुहास एलवाई सचिव खेलकूद विभाग बने हैं। वहीं मनीष वर्मा डीएम नोएडा बनाए गए हैं। रविंद्र कुमार डीएम शामली बनाए गए। जसजीत कौर डीएम सुल्तानपुर बनाई गई हैं। राजेश कुमार निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश बनाए गए। वहीं आपको बता दें कि अनुज कुमार झा डीएम जौनपुर बनाए गए हैं। प्रमोद उपाध्याय निदेशक पंचायती राज बनाए गए हैं। वहीं रवीश गुप्ता अपर आयुक्त स्टाम्प बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रणय सिंह को अपर आयुक्त प्रशासन गन्ना बनाया गया है। देखिए पूरी खबर के साथ हमारे संवाददाता सफी अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनका भी रुख करते हैं। सफी, कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चल गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी एक दर्जन जो आईएएस अफसर हैं उनके ट्रांसफर किए गए हैं, तो बिल्कुल माना जा रहा है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की जो रणनीति चल रही है मुख्यमंत्री की, साफ तौर से देखा जा सकता है कि किसी तरह की कोई भी अगर कमी आ रही है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर बात करें हम, देखिए चाहे वो नोएडा हो, जौनपुर हो, शामली हो, तो सभी जगह की जो डीएम है उनको हटाया गया है, स्थानांतरण किए गए हैं, किसी को इधर से उधर किया गया है। तो जिस तरीके से अभी देखा गया था कि नोएडा में एक वॉर चला था, गोलियां चली थी, जिसके बाद कई राजनीति गर्म हो गई थी, तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार साफ तौर से कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए अभी एक दर्जन जो आईएएस अफसर उनके ट्रांसफर किए गए, अभी और भी लिस्ट आ सकती है, और भी कई बड़े नाम ऐसे शामिल इसमें हो सकते हैं जिनकी लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है और उनका भी स्थानांतरण किया जाएगा। जी मतलब कि सफी और भी ज्यादा इस लिस्ट में नाम जुड़ सकते हैं, जितने लोगों के नाम है। अभी भी रात को देर रात ये फैसला लिया गया, दर्जन भर से भी ज्यादा अफसर जो है, बड़े अफसर हैं ये, इनको हटाया गया और अब इसमें और भी नाम जुड़ने की आशंका आप बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो ये दर्जन भी अधिकारी हैं, लेकिन अभी एक दर्जन के ऊपर अधिकारियों के और भी नाम शामिल माने जा रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो भी और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं जिनका स्थानांतरण किया जा सकता है। देखिए साफ तौर से सदन में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कह चुके हैं किसी भी तरह की कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर कोई कमी करता है तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। तो ये देर रात जो लिस्ट आई है, साफ तौर से इससे माना जा सकता है कि जैसा कहा है वैसा मुख्यमंत्री ने करके दिखाया है। और जो स्थानांतरण है, बड़ा नाम देखिए, जिस तरीके से अगर मनीष वर्मा की बात करें, चाहे रविंद्र कुमार जैन की बात करें, जसजीत कौर की बात करें, राजेश कुमार की बात करें, अनुर कुमार झा की बात करें और नरेंद्र भूषण की बात करें, बड़े नाम है जिनका स्थानांतरण किया गया है, जिनको हटाया गया है, तो अभी कई और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। जी शुक्रिया सफी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखिए जो लिस्ट रात को आई है देर रात, ये भी कई बड़े अफसर थे जिनके तबादले कर दिए गए और इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ने की अब आशंका है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के लिए आए दिन ही प्रतिबद्धता जाहिर करती रहती है। राज्य सरकार की तबादला नीति का भी इस दिशा में बेहद अहम योगदान है। देर रात शासन के इस फैसले ने सबको चौंका दिया और एक दर्जन आईएएस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादलों से यूपी की ब्यूरोक्रेसी में भी हड़कंप मच गया है।